बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरदारुल अंबिया हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, जो सैयदुल अंबिया हैं, अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 पैगंबर दुनिया में भेजे, जिनमें से कुछ अंबिया का तज़करा कुरान मजीद में हमें मिलता है। कुरान में अगर एक ही नबी का ज़िक्र भी होता तो ये चीज़ वाज़िया हो जाती कि नबी कौन है और नबी के दुनिया में आने का मकसद क्या है। लगभग 24 या 25 अंबिया का ज़िक्र है कुरान पाक में, जो ये बात खोल कर बता देता है कि अंबिया का दुनिया में आने का मकसद क्या था। अंबिया, तमाम अंबिया का और तमाम इल्हामी किताबों का, उनकी बेसत का मकसद सिर्फ एक था और वो था इंसान की हिदायत। इंसान की हिदायत मकसद था, वाहिद एक हदफ था। और इस सिलसिले को पाया एक तकमील तक पहुंचाने के लिए, इसको मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह की ज़ात, उस वजूद कामिल, उस वजूद अकमल को खिल्क किया। रसूल अल्लाह की खिलकत का मकसद था उस सिलसिला हिदायत को पाया तकमील तक पहुंचाना। हिदायत इंसान की खिलकत से जुड़ा एक मकसद है जो काबिले गौर है। इंसान की जो हिदायत है वो उसके खिलकत से जुड़ी है। अल्लाह ताला ने इंसान को नाकिस बनाकर भेजा, उसको पूरा नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान बनाकर नहीं भेजा दुनिया में। उसका बीज बोया इंसान, वो तदरीजन बनता है, दर्जा बदर्जा वो इंसानियत के दर्जे तक पहुंचता है। इंसान को इंसान बनने के लिए जिन वसाइल की, जिन तालीमात की ज़रूरत है, जिन अमूर की ज़रूरत है, उनका मजमूआ हिदायत है। उसके मजमूए को हिदायत कहते हैं और उसी हिदायत को लेकर दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए। तो इसका नतीजा ये निकला कि तमाम नबियों का मकसद एक था और वो थी हिदायत इंसान की। हर दौर के नबी को देखा जाए, दो तरह के लोगों से सामना हुआ। एक वो जो दुश्मने रसूल अल्लाह या दुश्मने अंबिया थे, और एक वो जो ईमान लाए, जो उनकी तालीमात को जिन्होंने माना, लेकिन दोनों ने वो नहीं हासिल किया जो मकसद था। यानी अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ात कामिल की मिसाल लेते हैं, तो उनकी ज़ात से जो लेना था वो नहीं लिया। और हम पुराने अदवार की बात नहीं करते, हम आज के दौर की अपनी बात करते हैं। हमने क्या लिया उनकी ज़ात से, हमने लेना क्या था? कुरान में वाज़ेह इरशाद है, जो रसूल लाए हैं वो ले लूँ, तो हमने क्या लिया? हिदायत तो नहीं ली जो वो देने आए थे। जश्ने विलादत जो होता है, या वो अय्याम जो अंबिया से मंसूब हैं उनकी रहलत के, उनकी विलादत के, उन अय्याम को अय्यामुल्लाह कहते हैं। उन दिनों को मनाने का मकसद है हिदायत लेना, सिर्फ चरागा करना, जिस तरह मिस ने कहा रोशनी करना, जश्न मनाना। मोहब्बत अकीदत हम में बहुत है, वालेहाना मोहब्बत है हमें रसूल अल्लाह से और आले रसूल से, लेकिन जो हमने इस घराने से लेना है वो हम नहीं लेते। वो हिदायत है जिसके लिए, जिस वाहिद हदफ और वाहिद मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इतने अंबिया दुनिया में भेजे, आसमानी किताबें नाजिल फरमाईं, और उस मकसद को हम इवेलुएट करें, एहतसाब करें अपना कि हम कितना पीछे हैं और हमने लिया क्या है। सिर्फ हम जश्न मनाते हैं, विलादत मनाते हैं, शहादत मनाते हैं, सोग मनाते हैं, बस
हम हिदायत नहीं लेते। तो आज इस महफिल की बरकत से हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह तूने जो हमें इतने वसाइल दिए कि हम अपने अपनी खिलकत, हमारा दुनिया में आने का मकसद है, हम उस मकसद को पहचानें और उसको हासिल करें, और जिस मकसद के लिए नबी दुनिया में आए और जिस मकसद को मुकम्मल करने के लिए, तकमील तक पहुंचाने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तशरीफ़ लाई, जिनको अल्लाह ताला ने इमामत, नबूवत, रिसालत के दर्जात पे फ़ाइज़ किया, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें तौफीक दे, हम सही मानों में उस हिदायत को ले सकें और उस पर अमल करें। रसूल अल्लाह, आले रसूल अल्लाह, इतरत ताहिरा, उनकी सीरत पर अमल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैर।